आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन बिरयानी। उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। चावल हमने 1.5 कप लिए, उसको हमने भिगो के रख लिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। चिकन बोन वाला 1/2 किलो, दही 1 कप, 3 प्याज हमने स्लाइस करके फ्राई कर लिए हैं ब्राउन होने तक, देसी घी 2 टेबलस्पून, पुदीना 1/4 कप, धनिया 1/4 कप, गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट 1 टेबलस्पून, और ये 3 इलायची के दाने, छोटी इलायची के, 1 बड़ी इलायची, छोटा 1/4 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 7-8 दाने काली मिर्च और 4 लौंग। ये हमने खड़े मसाले लिए हैं। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार, नमक 2 टीस्पून, शाह जीरा 1/2 टीस्पून, इलायची पाउडर, हरी इलायची पाउडर 1 टीस्पून, दूध 4 टेबलस्पून, उसमें हम थोड़ा सा चुटकी भर केसर मिक्स किया है, वार्म मिल्क लेना है, केवड़ा 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। चिकन डालेंगे, दही डालेंगे, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, ब्राउन अनियन 1/2 हम इसमें डालेंगे और 1/2 राइस में डालेंगे, 1 टेबलस्पून घी, 1/2 पुदीने की पत्तियां इसमें डालेंगे और 1/2 धनिए की पत्तियां, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ये हरी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार या 1/4 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा नमक और डालेंगे, टोटल 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है। अब इसको ढककर हम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, इधर हम चावल को बॉईल कर लेते हैं। गैस चलाएंगे, पानी डालेंगे, पानी को बॉईल होने देंगे और चावल को 75% पकाना है, पूरा नहीं पकाना। जब तक पानी बॉईल हो रहा है, तब तक ये खड़े मसाले की पोटली बना के रख लेते हैं। मसालों को मलमल के कपड़े में डालकर गांठ बांध देते हैं। इसको थोड़ा बेलन के साथ क्रश कर लेंगे। पानी उबलना शुरू हो गया, अब इसमें हम शाह जीरा डालेंगे और ये खड़े मसाले की पोटली ये डालेंगे, नमक डालेंगे और चावल डालेंगे। पानी चावल का हमने निकाल दिया था, अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाला आ जाएगा तो गैस सिम पे कर देंगे और चावल को 75% ही पकाना है, पूरा नहीं पकाना। पानी में उबाला आ गया, अब गैस हम सिम पे करेंगे और चावल को पकने देंगे। 6-7 मिनट हो गए हैं, चावल हमारे 75% गल चुके हैं। अब हम गैस करेंगे बंद और इनको छान लेते हैं। पोटली इसकी निकाल देंगे और पानी अच्छे से छान लेंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका, 1/2 घंटा हो गया है। बिरयानी बनाने की तैयारी करते हैं। इस पे हम अब राइस डालेंगे। ब्राउन अनियन डालेंगे, धनिया पत्ती डालेंगे, पुदीना डालेंगे, इलायची पाउडर डालेंगे,
केसर वाला दूध और केवड़ा, और अब बाकी के राइस भी डाल देंगे और इनको अच्छे से फैला देंगे। फिर से ब्राउन अनियन डालेंगे और ऊपर से घी डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब कढ़ाई को हम आटे के डो से सील करेंगे, ऐसे लंबा इसको कर लेना है। ये सब तरफ से हमने कढ़ाई को आटे से सील कर दिया। अब इसको ढक्कन से बंद कर देंगे अच्छे से और प्रेस करेंगे। इसको ऊपर से भी अच्छे से सील करेंगे। कढ़ाई को हमने अच्छे से आटे के साथ बंद कर दिया। अगर कहीं से भी स्टीम निकलनी शुरू होए तो उसको वापस आटे से कवर कर देंगे। तो गैस चलाएंगे, पहले हम इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए रखेंगे, तो फिर सिम पे गैस कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब गैस को करेंगे सिम और कढ़ाई के नीचे एक तवा रख देंगे। तवे के ऊपर कढ़ाई रखेंगे और इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। इसको दम लगाएंगे। बिरयानी को पकते 20 मिनट हो चुके हैं, आप गैस करेंगे बंद और इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। चावल को रखे 5 मिनट हो गए हैं, तो अब इसको ध्यान से आटे को खोलना है, इसके अंदर स्टीम है, एकदम से ढक्कन नहीं उठाना, धीरे धीरे इसको उतारना है। किनारे लूज कर लेते हैं। बिरयानी हमारी तैयार है, अब इसको हम सर्विंग ट्रे में ट्रांसफर करेंगे। चिकन भी हमारा अच्छे से गल गया, राइस भी हमारे पूरी तरह से कुक हो गए। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, हैदराबादी चिकन बिरयानी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए, और हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।